पूछकर जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों का कारोबार किस प्रकार हो सकता है। तो शुरुआत सोया कॉम्प्लेक्स से करते हैं। हमने देखा है कि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में सोयाबीन में निश्चित स्तरों से अच्छी बाइंग देखने मिली और 6050 के करीब के लो से हमने 6600 के क्लोजिंग आते हुए देखी हफ्ते की। और जो पिछले हफ्ते हमने कवर किया था कि ओवरऑल 5700 के ऊपर जब तक है तब तक जो भी डिप आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो वही व्यू के साथ मैं आगे भी चलना चाहूँगा। ऐसा लगता है कि एक बड़ी सी करेक्शन 6900 से 6050 की हो चुकी है और अब दोबारा तेज़ी बाज़ार ने पकड़ी है और ये तेज़ी जारी रहेगी। अपसाइड में जो पोजिशनल व्यू शेयर किए गए थे 7100 तक के, वो फ़िलहाल ओपन अप हो गए हैं। तो जो भी डिप आती है अब से वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इमीडिएट तौर पर 6300 से 6450 के बीच एक सपोर्ट जोन है, तो अगर एक करेक्शन अगले हफ्ते आती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और ऐसा लगता है कि 7100 तक के पोजिशनल लक्ष्य लेकर चला जा सकता है सोयाबीन में। वहीं अगर रिफाइंड ऑयल की बात करें तो 1180 के करीब के जो एक सपोर्ट लेकर 1205 के ऊपर क्लोजिंग दी है, ऐसा लगता है कि एक स्लोअर स्टेडी प्रोग्रेस अपसाइड होगी और 1235 से 1240 तक के लक्ष्य आने वाले दो हफ्तों में देखने मिलेंगे। इस हफ्ते में हो सकता है कि 1225 तक के लेवल हमें देखने मिल जाए। वहीं CPO में भी मुझे लगता है कि तेज़ी का रुझान रहेगा और 1100 के करीब काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुकी है और अपसाइड में लग रहा है कि 1135 तक के लक्ष्य हमें शॉर्ट टर्म बेसिस देखने मिल सकते हैं। वहीं मसाला कॉम्प्लेक्स में भी हमने शुरुआती गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग देखी। तो पिछले हफ्ते हमने कवर किया था कि एक करेक्टिव मूव देखने मिल सकता है, यानी धनिया, जीरा और हल्दी में तीनों में ही एक गिरावट देखने मिलेगी। तो वो गिरावट देखने मिली, हल्दी ने कहीं ना कहीं 7300 से 7400 के बीच सपोर्ट लिया है और 7600 के करीब की क्लोजिंग दी है। वहीं धनिया ने 8300 के करीब की क्लोजिंग दी है और जीरे ने 15600 के करीब की क्लोजिंग दी है। तो जो एक डिप आनी थी वो पिछले हफ्ते हमने देख ली और ऐसा लगता है कि दोबारा इस करेक्शन के बाद तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। तो आने वाले दिनों में हमें हल्दी में 7850 के लक्ष्य देखने मिलेंगे आने वाले दो हफ्तों में, ऐसा मेरा मानना है। वहीं धनिया में एक स्लो और स्टडी पेस होगी अपसाइड की, एक दायरे में कारोबार होगा लेकिन वो दायरा ऊपरी रेंज में हो सकता है, वो रेंज 8150 से 8450 की होगी। जबकि जीरे में मुझे लगता है कि दोबारा 16000 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं, क्योंकि इस लगभग 16900 से लगातार एक गिरावट हमें देखने मिली थी 15500 तक की। वहीं अगर मैं ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ऐसा लगता है कि जो गिरावट है ये और थोड़ी गहरा सकती है। तो पिछले हफ्ते भी हमने गिरावट की कंटिन्यूएशन की बात की थी, तो 5500 के लेवल हमें ग्वार सीड में देखने मिले, वहीं ग्वार गम ने हमें 9600 के लेवल देखने मिले। ऐसा लगता है कि ग्वार सीड में 5350 के लेवल हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकते हैं, तो सेलोन रैलीस की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों में 6200 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। वहीं ग्वार गम में भी ऐसा लगता है कि जब तक 11200 के नीचे है तब तक जो भी उछाल होगा वो लिमिटेड होगा और डाउनसाइड में 9300 से 9400 के लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं। कैस्टर सीड की बात करें अगर, तो कैस्टर सीड एक दायरे में फंसा हुआ है, 6100 से लेकर 6600 का दायरा है पिछले एक से सवा महीने से, और ऐसा लगता है कि ये दायरे से इवेंचुअली प्राइसेस जो हैं ऊपर की तरफ निकलेंगी और पॉसिबली 6850 6900 यानी 7000 के काफ़ी करीब प्राइसेस जा सकती हैं आने वाले दिनों में। लेकिन हो सकता है अगले हफ्ते ये जो दायरे का कारोबार है ये बना रहे, जो दायरा रहेगा वो 6300 से लेकर 6520 का रहने की उम्मीद है। तो डिप पे बाइंग ज़रूर की जा सकती है लेकिन बहुत बड़े लक्ष्य के लिए नहीं, 6520 या हो सके एक्सट्रीम केस में 6580 तक की ये जो दायरा है एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 6600 के बहुत ऊपर इमीडिएट तौर पे जाता हुआ नहीं दिखता, हालांकि पोजिशनल व्यू अभी भी तेज़ी का है। वहीं बिनौला खल में भी हमने 2700 के करीबन ही प्राइजेस को ट्रेड होते हुए देखा है, लेकिन 2550 के ऊपर प्राइस सस्टेन हो पा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि जब तक ये लेवल होल्ड करेगा तब तक पोजिशनल जो रुख रहेगा वो ऊपर की तरफ होगा और 2850 के बाद लगभग 2920 के टारगेट 2 से 3 हफ्तों में हमें देखने मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये था एक जायज़ा कि आने वाले सप्ताह और मीडियम टर्म बेसिस एग्री कमोडिटीज़ में यानी कि कृषि फसलों में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।